पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामपुर में दलित युवक की मौत के मामले में राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी इस हत्याकांड को लेकर सत्ता पक्ष भाजपा पर सवाल उठा रहा है और सरकार को दलित युवक की हत्या के मामले में घेरने की फिराक में है। कांग्रेस का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। मुरादाबाद में भी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस तरह पुलिस ने रामपुर में दलित युवक की गोली मारकर हत्या की है, उससे सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव में दलित हिंदू बनाकर वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर सत्ता बनाने के बाद अम्बेडकरवादी दलितों की कुचलने का काम भाजपा कर रही है। जी अफजल साबरी जी, आज किस संबंध में ज्ञापन दिया गया, क्या घटना हुई थी? ये रामपुर में एक छात्र था 17 वर्ष का, पार्क में सुमेश उसका नाम था, वो दलित था, उसके ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई है जिससे उसकी निर्मम हत्या हो गई। उसके विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी ये मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को एक स्थायी नौकरी दी जाए और जो भी पुलिसकर्मी या अधिकारी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्स में उसका मुकदमा चलना चाहिए और किसी न्यायिक अधिकारी की संरक्षण में या किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसकी सब जांच होनी चाहिए ताकि ये सरकार कहीं ना कहीं दलितों पे और मुस्लिमों पे खास करके अत्याचार कर रही है, मुकदमे में कहीं लीपापोती ना हो जाए, इसलिए कोई सक्षम अधिकारी की निगरानी में उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। किसे ज्ञापन दिया आज आपने? हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इंद्र भाई, किस घटना को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? ये रामपुर में एक दलित युवक जो पुलिस की गोली से मारा गया है उसके खिलाफ ये कहना में ज्ञापन है और हमारा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को चुनावी हिंदू बनाकर उनसे वोट तो ले लिया और उसी सरकार बनाने के बाद में बलूचिस्तान की तरह दलितों को जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्हें कुचलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसमें हमने मांग की है कि इसमें जो मुकदमा लिखा गया उसमें हरिजन एक्ट तरमीम किया जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, स्थायी नौकरी दी जाए और फास्ट्रैक रोक में चलाकर इसका मुकदमे की सजा दिलाने का काम किया जाए और जबरदस्ती जो उसका क्रियाक्रम किया गया है उसका अमानवीय तरीके से, जिस तरह से हाथरस में मनीषा का क्रियाक्रम किया गया था जल्दबाजी में, उसके परिवार को मिलने नहीं दिया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाए। ये दलितों को बेवकूफ़ बनाने वाले उनके साथ छल कपट है, उन्हें चुनावी हिंदू बनाकर उनसे वोट ले लिया जाता और उसी सरकार से उनको अम्बेडकरवादियों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जो दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ रही है, दलितों का विकास हुआ है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।